वेलकम बैक टू हैप्पी मील किचन। आज मैं लेके आई हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे आधा किलो हरी मटर ले लिया है। हरी मटर को अच्छी तरह से छील के धो लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च लिया है, 1 प्याज लिया है। प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। मैंने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में हम डालेंगे तेल। तेल आप अपने हिसाब से डालिए। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल जब अच्छी तरह से हीट हो जाएगा तब हम आगे का स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। पहले इसी कुकर में हम मटर को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि फ्राई करने से जो मटर होती है उसकी खुशबू भी आने लगती है और बहुत ही अच्छा मटर पुलाव बन करके रेडी होता है। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जैसे आप देख रहे हो। अब हम इसको निकाल लेंगे। को दिखाती हूँ एक मटर, ये देखिए ये कम से कम 40% तक पक चुकी है। अब उसी तेल में थोड़ा सा और तेल ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से हीट हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को ब्राउन कलर होने तक पका लेंगे। तक ब्राउन कलर हो रही है, चलिए मसाले देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया हुआ है। उसके बाद 1 टेबल स्पून भर करके धनिया पाउडर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून कुटी मिर्च ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च लेंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा रख सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। सो इतने मसाले हम अपने मटर पुलाव में यूज करने वाले हैं। आज हमारी ब्राउन कलर में आ चुकी है। अब जो मैंने आपको मसाला बताया था वो सारे मसाले इसी में ऐड कर देंगे और इसी में थोड़ा सा पानी मिला करके इसको इसी में डाल देंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद इसमें 4 हरी मिर्च भी डाल देंगे इसी में साथ में। मसाले को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है, जैसे आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी स्मेल आना शुरू हो गई है। लेकिन अभी इसको 5 मिनट तक और भूनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टमाटर चॉप कर लिया है। अगर आपको टमाटर नहीं मटर पुलाव में पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो मैंने इसको भी मसाले में ऐड कर दिया है। अब इसको भी साथ में भून लेंगे। टमाटर ये अच्छी तरह से इसमें गल जाएगा। हमारा भुन करके तैयार है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, जो फ्राई की हुई मटर रखे हुए हैं उसको भी इसी में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक और पका लेंगे। और मसाले को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, अब इसको इसी में डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम पानी डालेंगे। पानी हम उसी हिसाब से डालेंगे ताकि चावल हमारा खड़ा खड़ा बन करके तैयार हो। पुलाव में मैंने पानी अपने हिसाब से डाल दिया है। आप भी ज्यादा पानी नहीं रखिएगा क्योंकि मटर पुलाव गीला नहीं अच्छा लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने नमक चेक करके देखा, यहाँ पे मुझे नमक कम लगा तो मैंने इसमें नमक और ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा करके 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी आ चुकी है। अब प्रेशर जब निकल जाएगा तब हम इसको खोल के देखते हैं। चलिए देखते हैं। सो जैसे आप देख रहे हो कितना ही अच्छा हमारा मटर पुलाव बन करके रेडी हुआ है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स 10 मिनट्स में आप मटर पुलाव बना करके रेडी कर सकते हैं। ठंड में मटर वैसे भी बहुत ज्यादा मिलती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।